हाय वीवर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाले हैं जिसका नाम है चिकन ग्रीन बीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन ग्रीन बीन्स बनाने के लिए हमने लिए हैं 500 ग्राम ग्रीन बीन्स यानी कि फंसी। इनकी किनारियों को निकाल कर इस तरह से काट लिया है। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम चिकन, 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर, 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, रेड फूड कलर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, इसलिए हम चिकन में ऐड करेंगे सारे सूखे मसाले, अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर। हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक कर 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन बीन्स और हाई फ्लेम पर इन्हें 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ग्रीन बीन्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, ये इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। इसी के साथ ये आँखों और हड्डियों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और हम एक दूसरे पैन में 4 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हमारी कटी हुई प्याज और प्याज का कलर चेंज होने तक इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारी प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर और हाई फ्लेम पर इन्हें कुछ देर तक फ्राई करेंगे। प्याज और टमाटर तेल में अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और इसे ढक कर 20 मिनट तक पकने देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 20 मिनट हो चुकी है। इसे एक बार चेक कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हमारे फ्राई किए हुए बीन्स। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 30 मिनट तक ढक कर पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 1/2 घंटा हो चुका है। इसे एक बार चेक कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई करके इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। इस रेसिपी के बारे में मैं आपको एक बात बताती चलूं कि इसे बनाना मैंने मेरे अंकल से सीखा है, इसलिए आज की इस वीडियो का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। इसी के साथ हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। पानी और नमक ऐड करने के बाद हमने इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाया था। इसी के साथ ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे डिसआउट कर लेंगे। तो खाने के लिए तैयार है चिकन ग्रीन बीन्स। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।